जी सत्रीकाल, स्वागत है तुम्हारा साड़े चैनल नू सास दे रिएक्शन पे, जिथे मामा और मैं मिलके करते हैं डेली कोई ना कोई नई वीडियो ते रिएक्ट, इमोशनल ड्रामा कॉमेडी और बहुत सारे टॉपिक्स। एक टॉपिक है जो साड़े सब्सक्राइबर ने सानू भेजे है, नई वीडियो है, इंडियन मीडिया शॉक, बांग्लादेश न्यूक्लियर डील विद पाकिस्तान, इंडियन मीडिया ऑन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ते बहुत ही गर्म होया पे है मुद्दा अजकल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डील हो रही है। खैर इंडिया वालों मतलब इना ज्यादा फर्क नहीं पेगा, पर जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश तो कई ना बयानबाजी हो रही है जो इंडिया के खिलाफ, वो गलत हो सकती है क्योंकि हुन तक बांग्लादेश और इंडिया अच्छे फ्रेंड्स ने, ते हुन तक बहुत अच्छे रिलेशंस रहे ने बांग्लादेशीज नाल, पर अगे की होएगा कोई कह नहीं सकता। और रब करे मैं चाहनी हूँ पाकिस्तान नाल भी बहुत अच्छे हो जाए रिलेशन और सब अच्छा ही रहे, सब अच्छे अच्छे मिलके रहो अपने अपने। बिल्कुल। खैर की है न्यूज रिपोर्ट ए तो सानू देखने तो बाद पता चलेगा, चलो देखते हैं ए न्यूज रिपोर्ट। अगर तुसी हुन तक साडे चैनल नु सब्सक्राइब नहीं कीता है सब्सक्राइब करो। प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है आप ये भी देख रहे हैं। आवर फॉर्मर एडवर्सरी पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी एलाई ऑफ बांग्लादेश, दे विल डू एनीथिंग आई कैन अश्योर यू टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंडियंस। तो क्यों बचाना है पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश, क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं। नहीं प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कट्टरपंथी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात करे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान चाहे घास खाए या भूखा रहे लेकिन एटम बम जरूर हासिल करेंगे। भुट्टो की दोनों बातें सच साबित हुई। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है, ये पाकिस्तान की तकनीकी सहायता के बिना भारत को रोका नहीं जा सकता। हॉल में मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए थे, वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, देखिए ये कोई ऐरे गहरे लोग नहीं थे। पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करने का मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश पर कोई हमला होगा तो बांग्लादेश के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, तो पाकिस्तान दे देगा। और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लेकर तैनात कर दी जाए। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। वीडियो दोस्तों बहुत जबरदस्त होने वाली है, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। एक के बाद एक भारत के लिए बांग्लादेश की तरफ से बुरी खबर आ रही है, कभी कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी, कभी शेख मुजीबुर रहमान की जगह पर बांग्लादेश करार दिए जाने की खबर, और अब जो सबसे बड़ी खबर आई है बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान के साथ एटमी हथियारों की डील है जिससे भारत पर एक किस्म का सख्त तारी हो चुका है और भारतीय मीडिया में एक भूचाल आ चुका है। मजीद दोस्तों भारतीय मीडिया से क्या कुछ कह रहा है तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं आज की तारीख में, उसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इसराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। वो बांग्लादेश जिसके कट्टरपंथी नेता हिंदुस्तान के नफरत में अंधे हो चुके हैं, वही बांग्लादेश क्या अब परमाणु बम हासिल करने वाला है? सोच लीजिए, एक ऐसे टूटे फूटे और बिखरे हुए मुल्क के पास अगर परमाणु बम आ गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? खौफनाक तबाही के सिवा कुछ और की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक पर्दे के पीछे से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सुलगाने वाला पाकिस्तान क्या अब सीधे सीधे ढाका में बैठे आतंकियों और जमातियों को न्यूक्लियर कमांड सेंटर मुहैया कराने वाला? ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिदुज्जमा के इकबालिया कबूलनामे को एक बार सुनिएगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पाकिस्तान से एटमी गठजोड़ वाले इस कट्टरपंथी बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारियों के कार्यक्रम में दी गई और सोची समझी प्लानिंग के तहत दी गई। एक बार उस बयान को सुनिए। आवर फॉर्मर एडवर्सरी पाकिस्तान, Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what
यू नो पाकिस्तानीज देयर हर्ड्स बर्न आउट दे मे नॉट आस्क फॉर्मली फॉर फॉर बट दे डोंट वांट टू सी अस बिकम ए इंडियन वेसल दे विल डू एनीथिंग आई कैन अश्योर यू दे विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंडियंस बांग्लादेश में काफी ये प्रोफेसर कह रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है वो पाकिस्तान जिससे लड़कर बांग्लादेश ने आजादी ली उस पाकिस्तान के लिए आज अगर बांग्लादेश में इस तरह की बातें की जा रही है तो इसको भी समझने की जरूरत है कैसे प्रोफेसर बांग्लादेशियों बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेरर वाला चैप्टर पढ़ा रहा है और इसकी थ्योरी को समर्थन मिल रहा है जब ये पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है वाहवाही मिलती है गजब ही हाल है आज के तारीख में बांग्लादेश दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर साहिदुज्जमान ने इतना ही ज्ञान नहीं दिया बल्कि यह भी कहा कि पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें लेकर उन्हें भारत की सीमा पर तैनात कर देना चाहिए और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लेकर तैनात कर दी जाए तो भारत पर दबाव बनाया जा सकता है आज बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के दिल में प्यार उमड़ रहा हैरत होती है सोच लेकिन और पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है आप ये भी देख रहे हैं दो दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बार जिन्ना का 76वां मरण दिवस मनाया गया और इन्हें सुनेंगे इनकी बातें सुनेंगे तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश मुलाकात की तैयारी बांग्लादेश में सत्ता का निजाम क्या बदला कि पाकिस्तान की बांछें खिल गई हैं पाकिस्तान ने उम्मीदों के कई कबूतर पाल लिए हैं यही वजह है कि नजदीकी बढ़ाने के लिए अब सीधे फ्लाइट से लेकर हिल्सा फिश तक हर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इसे कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान क्या कह रहे हैं जी हां वही ढाका यूनिवर्सिटी जहां से शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से का बवंडर उठा था प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं वो भी भारत के आगे अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर इतना ही नहीं प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं इन ऑर्डर टू श्योर यू दे विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंडियंस बांग्लादेश में काफी अमेरिका परस्त माने जाने वाले प्रोफेसर शाहिदुज्जमान की ये बातें सुनकर अंदाजा आपको लग गया होगा कि भारत विरोध फिलहाल बांग्लादेश में किस तरह खूब हवा दी जा रही वहीं इस बदली हुई हवा में पाकिस्तान भी जल्दी से ढाका के बारामदे में अपनी कुर्सी बेहतर जगह रख लेना चाहता है इसी कड़ी में अब जरा ये तस्वीरें देखिए और इन पर गौर करिए ये तस्वीरें बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ की है पाकिस्तान के राजनयिकों ने हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर छात्रों और उर्दू डिपार्टमेंट के नुमाइंदों के साथ कई मुलाकातें की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के कार्यकाल में 15 बरस तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ठंडे ही रहे मामला केवल हवाई जहाज की उड़ान से रिश्ते मजबूत करने का नहीं बल्कि हिल्सा मछली के बहाने भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने कनेक्शन को बनाने में जुटा है सर ये कह रहे हैं कि ये झूठ भारत फैला रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का दुश्मन है ये तब आज बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश की रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर ही सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है इस नए अंतरिम सरकार ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान को एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर भी दिया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड लंबी दूरी की तोपों के लिए गोला बारूद का ऑर्डर दिया है इसके अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि GB अपनी टाइप 85 चीनी स्नाइपर रहने जा रहा है और अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं कट्टरपंथी यह भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात करे क्या पाकिस्तान के इशारे पर जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी बांग्लादेश को भी उत्तर कोरिया जैसा खतरनाक मुल्क बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान चाहे घास खाए या भूखा रहे लेकिन एटम बम जरूर हासिल करेंगे भुट्टो की दोनों बातें सच साबित हुई 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से देश सुर्खियों में बना हुआ है अब ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कुछ ऐसा बयान दिया जो भारत विरोधी है बयान सुनकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश
भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद जुम्मा ने एक सेमिनार के दौरान बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही और भारत को एक बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। ये वही बात है जिस पर भारतीय हमें विश्वास नहीं कराना चाहते। परमाणु सक्षम होने से मेरा मतलब है कि हमें अपने पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी चाहिए। पाकिस्तान की तकनीकी सहायता के बिना भारत को रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहा। बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहिए। पाकिस्तानियों का दिल इच्छालु है। वे नहीं चाहते कि हम माफी मांगे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि हम भारत के साथ रहें। वे ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर का बयान है जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों की बात कही है। पाकिस्तान बांग्लादेश का उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आदतन धारणा बदलने। आज असी न्यूज रिपोर्ट देखी है कि बांग्लादेश विच किवे जो बांग्लादेश दे बहुत फेमस प्रोफेसर ने वो जो उन्होंने जो बयान दिता है जो कह रहे हो इंडियंस के खिलाफ भारत के खिलाफ, क्योंकि हुन तक देखो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे सी और जो भी हुन टेंशन हैगी ओदे ऐ बयान करके मैं लगता होर बढ़ सकती है और प्रॉब्लम्स और हो सकती ने राइट। बाकी जो न्यूक्लियर डील है वो तो बांग्लादेश की अपनी मर्जी है कि उन्होंने किदे नाल डील करनी है, पाकिस्तान नाल करनी है या किसी होर नाल करनी है। पर जो मैंने लगता है ए विच जो बयानबाजी होंदी है ना एदे नाल काम होर खराब हो जाता है बहुत ज्यादा और वो भी प्रोफेसर दे रहे ने दो तरह मन्ने प्रोफेसर ने ਬਣਾਇਆ। साड़ी वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू भी सब्सक्राइब करना जी। सत श्री अकाल।